नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त ओम प्रकाश। स्वागत करता हूं आप सभी का ओम टॉक चैनल पे। दोस्तों, आज तक के सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सर हमें चश्मा क्यों लगता है, हमारी आंखों में चश्मे का नंबर क्यों आता है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पावर नहीं लगता है, बिना चश्मे के ही उनको सभी चीज़ें साफ सुथरी दिखाई देती है, बट हमें क्यों चश्मा लग रहा है और हमारा पावर इतना क्यों है। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं और लगातार कमेंट में मुझे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को लेकर बात करेंगे और मैं आपके सभी डाउट को क्लियर करूंगा कि आपको चश्मा क्यों लगता है और आप क्या चश्मे से निजात पा सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप सभी से गुजारिश करूंगा, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि इसी टाइप के कॉन्टेंट में लाते रहता हूँ जो लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड, सबसे बड़ा सवाल कि हमें चश्मा क्यों लगता है, इसको समझने से पहले आपको हमारे जो आई का जो सिस्टम है उसको समझने की जरूरत है। देखिए, भगवान ने हमारे आई को ऐसा बनाया है कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, एक लाइट हमारे पास आती है और वो लाइट हमारे लेंस से होते हुए अंदर पर्दे से टकराती है और वहां से एक ऑप्टिक नर्व जाती है जो हमारे दिमाग में कनेक्ट होती है और उसी हिसाब से हम चीज़ों को देख पाते हैं। आप सोनार सिस्टम का नाम सुने ही होंगे, जो डॉल्फिन में सबसे ज्यादा अच्छे तरह से देखी जाती है। डॉल्फिन कैसे देखती है, देखिए वो अपने एक सोनार सिस्टम के द्वारा एक ध्वनि छोड़ती है चीजों में, अपने सामने एक ध्वनि छोड़ती है और जो भी उनके सामने है वो उन चीजों से वो ध्वनि टकराती है और वो रिवर्स आती है, और जब वो रिवर्स आते हैं तो उनके दिमाग में एक इमेज बन जाता है, वो एकदम एक्यूरेट इमेज बना लेते हैं और वो इस तरीके से चीजों को देख लेते हैं। प्रोसेस लगभग वैसे ही है, हम भी किसी चीज को देखते हैं तो हम जब उस चीज को देखते हैं तो वहां से जो भी लाइट आ रही है वो हमारे दिमाग तक पहुंचती है और इस हिसाब से हमारा दिमाग उसको रीड कर लेता है। तो ये जो सिस्टम होता है वो हमारी देखने की सिस्टम होती है। अब आप देखेंगे जो हमारे यहाँ पर ये पर्दे का जो सिस्टम है, किसी किसी लोगों का ये पर्दा बिल्कुल सामान्य रहता है। जब आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे जिनको चश्मा नहीं लगता है, उनको मान लीजिए कि इनका ये सिस्टम बिल्कुल सही और सटीक है, लेकिन वहीं पर जिन लोगों को पावर लगता है उनका ये जो एरिया है वो बढ़ जाता है। जिनका एक नंबर है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, जिनका दो नंबर है थोड़ा और बढ़ जाएगा, जिनका 10 नंबर है वो और बड़ा हो जाएगा पीछे से, इस टाइप से 15-20 नंबर भी होते हैं उन लोगों के और भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो इससे होता क्या है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो जो प्रकाश हमारे लेंस के अंदर आती है, जो सही जगह पर उसको टकरानी चाहिए जहाँ से हमारा ऑप्टिक नर्व उसको रीड कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि वो एरिया बड़ा हो चुका है और इसलिए वो इधर उधर चला जाता है और इस हिसाब से आपको चश्मा लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड, अब तक हमने समझ लिया कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं। अब दूसरा ये सवाल आता है कि हमें चश्मा क्यों लगता है। इसका सबसे और पहला रीजन यही होता है कि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड, जेनेटिक से मेरा तात्पर्य यह है कि अगर आपके फैमिली में किसी को चश्मा लगता है ऑलरेडी पहले से, हो सकता है आपकी मम्मी पापा या दादा दादी को चश्मा लग रहा है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको भी चश्मा लगने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी जीव में जीन्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और जीन्स जो है एक परिवार से दूसरे परिवार में वो ट्रांसफ़र होती रहती है, जीन्स जो है ट्रांसफ़र होती है। इस वजह से उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी, आपके दादा परदादा में जो भी प्रॉब्लम होगी, वो कुछ कुछ आप तक पहुँच जाती है और कई लोगों को जेनेटिक रीजन की वजह से चश्मा लगता है। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि हर किसी में ये जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी कई लोगों को चश्मा लगता है, आपने देखा होगा। तो दूसरा रीज़न है आज का टाइम पे ये जो कंप्यूटर और मोबाइल है इसका ज़्यादा यूज करना। जनरली हम क्या करते हैं कि नाइट में या फिर कहीं अंधेरे में बैठे हैं तो वहाँ पर सभी जो लाइटें हैं वो बंद कर देते हैं और केवल मोबाइल की स्क्रीन को देखते हैं या कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते हैं, तो ऐसे में हमारी आंखें में ड्राइनेस बहुत होती है। आपने देखा होगा कि जब लंबे टाइम तक आप स्क्रीन को देखेंगे तो उसमें ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है और यही ड्राइनेस आपको आगे चलकर आपके विजन को ब्लर करती जाती है, जिस वजह से आपको चश्मा लगाना पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं, लेकिन ये दो रीजन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वजह से चश्मा लगना लगभग तय हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हम चश्मे से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। देखिए, कई लोगों को होता ये है कि उनको अगर चश्मा लग जाए तो वो लोग सोचते हैं, अरे यार बहुत टेंशन हो गया मेरे को, चश्मा लग गया मैं क्या करूँ, बड़ा परेशान हो गया हूँ, चश्मा लगाना पड़ता है। ठीक है,
आपको चश्मा लग गया, लेकिन इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो चश्मा आपको दिया गया है वो आपके पावर के लिए दिया गया है, और इसीलिए दिया गया है कि जो चीजें आपको साफ नहीं दिख रही है उसको देखा जा सके। तो चश्मा लग गया इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपकी आंखें परमानेंट खराब हो गई, आपको चश्मे के द्वारा आपकी आंखों को सुधार लिया जाता है, तो आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो निजात पाने की, हमेशा से निजात पाने के लिए बात है, बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट आता है कि सर मेरा 0.25 है या 0.5 नंबर है, तो क्या मैं चश्मा हमेशा के लिए निकाल दूँ या फिर मैं ऑपरेशन करवा लूँ, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो फ्रेंड मैं कहना चाहूँगा कि देखिए ये जो पावर है बहुत ही कम है, इस इन चीज़ों के लिए आप इतना खर्चा करने के लिए मत सोचिए, क्योंकि आपके लिए चश्मा ही सही है अगर इतना कम पावर है। हम जनरली उन लोगों को ऑपरेशन के लिए बोलते हैं जिनका एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पावर है, 10 नंबर से ज़्यादा है, वाकई में जिनका लेंस काफ़ी मोटा है, उनको हर टाइम लगाना पड़ता है क्योंकि बिना चश्मे के कुछ भी देखना संभव नहीं है। तो हम ऐसे लोगों को रिकमेंडेड करते हैं कि सर आप जो है ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आजकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, और बहुत सारे ऐसे सिस्टम आ चुके हैं, ऐसे ऑपरेशंस आ चुके हैं जिनके द्वारा हमेशा के लिए आपकी आंखों से चश्मा हटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है और आपको दूर का पावर लग रहा है, यानी कि मान लीजिए कि मुझे -10 नंबर का चश्मा लगता है जिसका यूज मैं दूर देखने का करता हूँ और पास में मुझे साफ दिखता ही है, ठीक है, लेकिन जब मेरी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो जाएगी तो आपको नज़दीक का चश्मा लगाना ही पड़ेगा। अगर आप ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, आपका -10 नंबर रिमूव कर दिया जाएगा, परमानेंटली रिमूव, 10 नंबर से 0 भी हो जाएगा, तो भी आपको अगर 40 साल के बाद आपको नियर के लिए अलग से चश्मा लगाना पड़ेगा। वेल फ्रेंड, बहुत लोग ये मान लेते हैं कि हमने ऑपरेशन करवा लिया तो अब हमको कभी जीवन भर चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, ये गलत है, आपको चश्मा लगेगा। और यहाँ पर भी बहुत सारे चीज़ें आ चुकी है, जैसे कि आपको बाइफोकल कॉन्टेक्ट लेंस भी अवेलेबल है, प्रोग्रेसिव लेंस अवेलेबल है, इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है जिसके द्वारा आप दूर और पास दोनों की चीज़ों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अंत में फ्रेंड मैं कहना चाहूंगा कि चश्मे के प्रति अगर आपकी नकारात्मक सोच है तो उसको अपने दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि जब भी आप सोचते हैं कि मुझे चश्मा लग गया, बहुत ज़्यादा टेंशन है, कैसे करूँ, क्या करूँ, ये चश्मा कब हटेगा, इस टाइप का बारे में आप सोचते रहेंगे तो फिर वो कभी नहीं हटने वाला है, वो सिर्फ एक टेंशन है और कुछ भी नहीं। इसलिए ऐसी जो सोच है उसको बदल दीजिए, चश्मा लगाना है चश्मा लगा के देखना है बस, और कुछ भी नहीं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचना है। फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को इस टाइप की जो अवधारणाएं हैं उनसे छुटकारा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।